सिलाई से जुड़ी हर चीज जानने के लिए सब्सक्राइब करिए आदर्श टेलर को और बेल आइकन दबाइए जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो में हम आपको आस्तीन में डिजाइन बनाकर बताएंगे और इसकी हमने सिंपल ही कटिंग की है और हमने एक 2 इंच की चौड़ाई में पट्टी ली है। लंबाई इसकी 16 इंच है और हमने इसमें 2 इंच का फ्यूजी बकरम चिपका के रखा है और हमने लंबाई में ये 2 इंच और चौड़ाई में 1/2 इंच की डोरी कट की है। अब इसको हम इस पे लगाएंगे 1/2 इंच छोड़ के। ऐसे बगल ही बगल हम लगाते चले जाएंगे। हल्का से गैप रहेगा। इस तरह हम पूरे में लगाते हुए चले जाएंगे। हमने एक साइड लगा ली है, अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह बखिया चला देंगे। देखिए हमने दोनों साइड बखिया चला ली है। आस्तीन में हम ऐसे रख के इस पे सिलाई मारेंगे। देखिए एक साइड मेरी हो गई है। अब इसके ऊपर बखिया चलाएंगे। अब एक हम और भी कपड़ा लेंगे आस्तीन के बराबर का। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई 3 के बराबर। यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। डेढ़ इंच पे हमने निशान लगा लिया है, जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट के निकाल देंगे। इसके ऊपर हम ये कपड़ा रखेंगे और सिलाई मार देंगे। देखिए हमने दूसरी साइड भी लगा ली है और इसके ऊपर हम सिलाई मार देंगे। यहाँ से 1 इंच निशान से हम इसको ऐसे अंदर मोड़ देंगे। दोनों साइड 1 इंच का निशान लगा देंगे। इसमें हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे।
के कपड़े की कटिंग कर दूंगी। ऐसे फोल्ड करके हम ऐसे पतली पैटी निकालेंगे। अब इसमें हम सब मोतियां लगाएंगे। अब हम मोतियां लगाएंगे, ये देखिए मोती है और हमने धागा डाल दिया है उसके बीचों बीच डोरी के निकालेंगे और इस साइड से हम थोड़ा लेंगे और ये साइड के किनारे से थोड़ा, फिर हम इसको हल्का से ऐसे खींच देंगे तो फूल बन जाएगा। उसके हम एक काका मार देंगे। अब इसमें हम ये मोती लगा देंगे। और फिर दूसरे पे भी बीच में हम लाएंगे, किनारे से हम ऐसे और इस किनारे से धागा लेकर के इसको हम ऐसे खींच देंगे। ऐसे फिर यहाँ पे एक टाका और लगा देंगे। तो ये हम मोती इस पे लगाएंगे। ऐसे ही हम पूरे में लगाते चले जाएंगे। ये देखिए हमने पूरे में मोतियां लगा ली हैं। ये इसकी बनके रेडी हो गई है।